गया मैं, तो कितना प्यारा लग रहा है ना फ्रेंड्स दोनों का कलर। तो देखिए आज ये दोनों में फूल खिला हुआ है, इसीलिए मैं आप सबके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से सोच रही थी पर धूप नहीं निकल रही थी, तो 2 दिनों से अभी बहुत अच्छी धूप निकल रही है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, तो इसमें 3 फूल खिला हुआ है आज, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो किसी टॉपिक पे आने से पहले मैं आप सबसे छोटी सी आग्रह करनी चाहती हूँ कि फ्रेंड्स वीडियो पूरे ज़रूर देखना, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और जो मैं इस पौधे के साथ अनुभव की हूँ वही मैं अपना अनुभव आप सबके साथ फ्रेंड्स शेयर करूँगी। तो वीडियो पूरे ज़रूर देखना, अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी ज़रूर करना, अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, कमेंट में बस बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो देखिए कितने प्यारे कलर लग रहे हैं ना। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें 2 पौधे लगाई थी, तो अभी तो बीच में धूप नहीं निकल रही थी तो इसमें उतने अच्छे से फूल नहीं खिले थे, बहुत ज़्यादा कली है, पर अब जाके अब खिलना शुरू हुआ है क्योंकि 2-3 दिनों से धूप बहुत अच्छे निकल रही है। तो देखिए अब जाके ये खिलना शुरू हुआ है, ये तो ये काफ़ी घना हो गया है तो उसमें कमी नहीं है, पर ये फूल धूप निकलने के बाद ही खिलता है, और जब तक ये धूप रहता है तब तक ही खिला रहता है, शाम के टाइम में ये अपने आप ही फूल बंद हो जाता है फ्रेंड्स, फिर सुबह धूप निकलती है तो अपने आप खिल जाता है। तो देखिए बहुत ही सर्दी का खूबसूरत पौधा भी या फूल भी, दोनों ही खूबसूरत है और बिल्कुल कम देख रेख में ये चलने वाला है। तो वहीं सर्दी के जितने भी प्लांट लगाते हैं तो उसमें खाद की मात्रा तो 40% तो देना ही चाहिए जब मिट्टी बनाते हैं उसी टाइम, क्योंकि इसको लिक्विड तो हम दे नहीं सकते क्योंकि मिट्टी सूखती नहीं है, और सर्दी में अगर बारिश हो गई है तो बस पौधे को बचाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। और वैसे इसको परमानेंट पौधा भी कहा जा सकता है क्योंकि ये प्लांट गर्मी में भी बच जाते हैं, फिर बारिश के टाइम में थोड़ा इसको बचाना मुश्किल होता है। तो मैं तो पिछली बार जून तक बचाई थी, फिर उसके बाद गांव चली गई तो आने के बाद ये मर गया था, तो इसका पौधा बच जाता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें से साइड साइड से निकाल के मैं कई जगह लगाई हूँ, सारे पौधे अब अच्छे ग्रोथ पे हैं। तो देखिए अभी फरवरी मार्च 2 महीने हैं इसको खिलने के लिए, तो अब तो पौधे सेट हो गया है, तो थोड़ा बहुत भी इसमें से फूल दिखने को मिल जाएगा तो वही बहुत हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तो पौधे लेट खरीदी थी, उसमें से साइड से निकाली थी तो उसके बाद इसमें लगाई थी, तो इसीलिए देखिए अब कितना फूल देखने को मिलता है इस सब पौधे में से। बहुत ही रफ्तार पौधा कहा जा सकता है इसको, क्योंकि बिल्कुल उतना केयर नहीं मांगता है, इसको बारिश में भी रहते हैं तो इसके पत्ती को कोई नुकसान नहीं होता है, बहुत अच्छे ग्रोथ पे आ जाते हैं, पर वही है कि उस टाइम इसमें फूल नहीं खिलता है, तो जैसे पिटूनिया सब गल जाते हैं वो उसके साथ नहीं होते हैं फ्रेंड्स। और देखिए इसको थोड़ा स्प्रे करना भी पड़ता है क्योंकि इसमें बारिश के पानी सब पड़ने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा काले वाले कीड़े लग जाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको जब फूल नहीं खिले रहते हैं उस टाइम आप नीम ऑयल से या किसी भी जिससे भी चीज़ से आप स्प्रे करते हो तो उससे कर देना, नहीं तो सिर्फ पानी से भी कर देना तो हट जाता है, उसे मैं 1-2 बार की हूँ तब इसमें बहुत कम हो गया है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, तो मन कर रहा है देखती रहूँ। तो बस इतना ही है इसके बारे में, उतना नहीं है कि इसको ज़्यादा संभालना पड़ता है, बिल्कुल आसानी से ये चलने वाला पौधा है। आज सर्दी का खूबसूरत फूल तो है, ये बहुत सारे कलर में आते हैं, ये बीज से भी जर्मिनेट होते हैं फ्रेंड्स, बीज से ही होते हैं क्योंकि अगर पौधा बच गया तो ठीक है, नहीं तो बीज से बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाता है। इस बार मैं कोशिश करूँगी इसको बीज रखने का, गिलहरी अगर छोड़ दिया तो, क्योंकि गिलहरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, एक बार अगर आ गया तो फिर एक भी फूल देखने को नहीं मिलता है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करना, अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी करके ही जाना। बाय, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।